दोस्तों अगर आप गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट के बीच ये मैच नहीं देखोगे तो आपके लिए ये है परफेक्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये मैच में जितना भी अनहोनी था वो हो गया। लखनऊ सुपर जायंट अपने हाथ से पूरी तरह से जीतने वाला मैच एक झटके में हार गया गुजरात टाइटंस के सामने। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस जो कि कभी नहीं लग रहा था ये मैच में है, वो मैच आखिरी ओवर पे जाकर जीत गया और राहुल तेवतिया बने इस मैच के हीरो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पूरी हाईलाइट्स स्ट्रीमिंग के साथ, बने रहिए मेरे साथ स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस की ओर से टॉस जीता और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। गुजरात टाइटंस की ओर से बॉलिंग की शुरुआत करे मोहम्मद शमी और बैटिंग में एज एक्सपेक्टेड केएल राहुल और क्वांटन डी कॉक। दोस्तों पहला ओवर पहला बॉल और हो गए आउट केएल राहुल कॉट बिहाइंड। पहले ओवर में दो सिंगल्स की मदद से दो रन पे एक विकेट। दूसरे ओवर पे वरुण आनंद को एल्विन लुईस से मारा एक चौका, लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर पे मोहम्मद शमी ने ले लिया और एक विकेट क्वांटन डी कॉक जो कि ब्लैक हॉर्स माना जा रहा था एलएसजी की ओर से। और उसके बाद चौथे ओवर पे वरुण आनंद को एल्विन लुईस से मारा एक चौका, लेकिन अगली ही बॉल पे एल्विन लुईस हो गए आउट और बैट करने आया दीपक हुडा। अगले बॉल में ही मनीष पांडे ने मार दिया एक चौका। पांचवें ओवर पे फिर एक विकेट गया मोहम्मद शमी के हाथों मनीष पांडे। और पावर प्ले के आखिरी ओवर पे मतलब छठा ओवर के बाद लखनऊ की रन संख्या था 32-4। दोस्तों सातवां ओवर पे सिर्फ एक रन मिला, आठवां ओवर पे सिर्फ तीन रन, लेकिन दोस्तों नौवां ओवर पे आया हार्दिक पांड्या के बॉल पे दीपक हुडा का चार रन, उस ओवर पे मिला कुल छह रन। दोस्तों दसवां ओवर पे सिर्फ सिंगल से मिला कुछ और ग्यारहवें ओवर पे हार्दिक पांड्या को दीपक हुडा ने मारा दो चौका। दोस्तों यहाँ से लखनऊ थोड़ा संभलने लगा अपने आप को, स्कोर हुआ 58-4। बारहवें ओवर पे कुछ सिंगल्स और डबल्स में राशिद खान को और तेरहवें ओवर पे एक महंगा ओवर साबित हुआ वरुण आरन, दीपक हुडा ने दो चार और एक छक्के लगाए इस ओवर में, इस ओवर से रन मिला 17। दोस्तों चौदहवां ओवर राशिद खान को पहली बॉल पे दीपक हुडा ने मार दिया एक छक्का और इस ओवर पे रन आया 10 रन। पंद्रहवें ओवर पे बहुत ही अच्छा ओवर रहा लखनऊ के लिए, हार्दिक पांड्या को आयुष वधोनी ने एक छक्का दो चौका मारा और उसी ओवर पे दीपक हुडा ने एक चौका मारा, इस ओवर पे आया 19 रन। 15 ओवर के बाद 109 पे 4। 16वें ओवर पे बॉल करने आया राशिद खान और आयुष बदोनी ने मार दिया एक छक्का, लेकिन उसके एक बॉल बाद ही दीपक हुडा को आउट कर दिया राशिद खान ने। 17वें ओवर लॉके फर्गुसन ने बॉल डालने आया, सिर्फ 8 रन मिला एक चार की मदद से। और 18वें ओवर बहुत अच्छा गया लखनऊ की ओर से, मोहम्मद शमी को कुणाल पांड्या ने मारा दो चौका और आयुष बदोनी ने मारा एक चौका, इस ओवर पे रन आया 15। दोस्तों 19वां ओवर आया लॉके फर्गुसन बॉल करने और आयुष बदोनी ने इस ओवर पे मारा एक छक्का और मिला चार सिंगल्स, मतलब इस ओवर पे आए 10 रन, स्कोर बना 149 पे 5। दोस्तों 20वां ओवर बॉलिंग करने आए वरुण आरन, उस ओवर पे कुणाल पांड्या ने मारा एक चौका, लेकिन दोस्तों बाद में वरुण आरन ने उसी ओवर पे ले लिया आयुष बदोनी के विकेट, कुल रन हुआ 157 पे 6। गुजरात टाइटंस के सामने टारगेट था 158 रन की। अब आया गुजरात टाइटंस की बारी यानी बैटिंग के बारे में। दुष्मंत चमीरा लखनऊ से बॉलिंग करने आए और गुजरात टाइटंस से शुभमन गिल और मैथ्यू वेड आए बैटिंग करने। दोस्तों ओवर के पहली बॉल पे ही शुभमन गिल ने मार दिया एक चौका, लेकिन दोस्तों तीसरी बॉल पे ही शुभमन गिल हो गए आउट, दुष्मंत चमीरा ने ले लिया शुभमन गिल के विकेट। दोस्तों दूसरे ओवर पे आवेश खान आए बॉलिंग करने और मैथ्यू वेड उस ओवर पे मारे एक चौका और ओवर थ्री पे दुष्मंत चमीरा वापस से ले लिया पहले बॉल पे विकेट विजय शंकर के। इसके बाद बैटिंग करना है हार्दिक पांड्या, उस ओवर पे हार्दिक पांड्या ने ली दो चार रन। चौथा ओवर पे मोहसिन खान बॉलिंग करने आए, उस ओवर पे एक चार हार्दिक पांड्या ने लिया और एक चार मैथ्यू वेट के नाम आया। पांचवा ओवर पे आवेश खान को हार्दिक पांड्या ने मारा एक चौका और छठा ओवर पे रवि बिश्नोई को मारा मैथ्यू वेट ने एक चौका। छह ओवर के बाद यानी पावर प्ले के बाद 44 पे 2 हुआ गुजरात टाइटंस की रन। सातवां ओवर पे आया सिंगल्स, आठवां ओवर पे रवि बिश्नोई को हार्दिक पांड्या ने मारा एक लंबा छक्का, नौवां ओवर पे कुणाल पांड्या को हार्दिक पांड्या ने मारा एक चौका और उस ओवर पे सिंगल्स डबल्स की मदद से आया 9 रन। दोस्तों दसवां ओवर पे रवि बिश्नोई बॉल करने आया और मैथ्यू वेड ने मारा एक चौका। इसके बाद 11वें ओवर की पहली बॉल पे कुणाल पांड्या ने ले लिया अपने भाई हार्दिक पांड्या के विकेट। जी हाँ दोस्तों, और 12वें ओवर पे और विकेट दिया गया दीपक हुडा के द्वारा मैथ्यू वेट की। 12 ओवर के बाद 79 पे 4 हुआ गुजरात के स्कोर। 13th ओवर पे सिर्फ सिंगल्स मिला, 14th ओवर पे भी सिर्फ सिंगल्स मिला, 15th ओवर भी सिर्फ सिंगल्स की मदद से 3 रन मिला, 91 पे 4 हुआ स्कोर। लेकिन दोस्तों 16th ओवर गुजरात के फेवर में था, दीपक हुडा के बॉल पे
राहुल तेवड़े ने मारा एक चौका और एक छक्का और डेविड मिलर ने मारा एक चौका और एक छक्का। इस ओवर पे आया 22 रन। ठीक उसके अगले ओवर रवि बिश्नोई को पहले बॉल पे राहुल तेवड़े ने मारा एक छक्का और इसके बाद दो बैक टू बैक चौका, स्कोर हुआ 134। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर पे आवेश खान को डेविड मिलर एक छक्का मारते हुए अगले बॉल पे हो गए आउट। और 19वें ओवर पे दुष्मंत चमेरा को अभिनव मनोहर ने मारा एक चौका और राहुल तेवड़े ने मारा एक चौका, स्कोर हुआ 148/5। और दोस्तों 20वां ओवर आवेश खान आया बॉल करने और क्या बॉल करें, बैक टू बैक 4-4-4। पहले अभिनव मनोहर ने दो चौका मारा, उसके बाद राहुल तेवड़े ने विनिंग 4 मार दिया और स्कोर हो गया 161/5। गुजरात टाइटंस ने ये मैच 5 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों और एक जबरदस्त मैच हमें देखने को मिला जो कि पहले लग रहा था कि हार जाएगा गुजरात टाइटंस, रन नहीं आ रहा था, विकेट गिर रहा था, लेकिन बाद में जाकर लखनऊ को हरा ही गया गुजरात। तो दोस्तों ये मैच देखने में आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और आप इस चैनल में और क्या देखना चाहते हैं वो भी जरूर लिखिएगा। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।